राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। समय हो गया है 2:45। मौसम फिर ख़राब हो गया है। आज आपको दिखाते हैं हमारे गांव का पोस्ट ऑफिस। यहां है हमारे गांव का पोस्ट ऑफिस और यहां से है हमारे गांव का व्यू। अम्मा जी के पास गया, उनसे बताया आंखों में हल्का सा दर्द है और काम करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा तुझे हाक लग गई है। तो मैंने कहा मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, नौजवान भी नहीं हूँ। बोला तो जो मेहनत करता है ना, किसी ने तो है तेरी उस मेहनत पे जो है नज़र लगा दी है कि इस उम्र में भी इतना मेहनती है। फिर उन्होंने मंत्र पढ़े, मंत्र भी पूरे नहीं निकले वो। फिर उन्होंने भेजा छोटी बहन के पास, तब से थोड़ा सा अब रिलैक्स है, अभी हंसने को भी मन कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, बुरी नज़र बहुत ख़तरनाक होती है, भुगत रहा हूँ। सोचा था कि थकान हो गई है या डाइट में कोई कमी हो गई है, लेकिन नहीं, ये सब जो है बुरी नज़र का कमाल चल रहा है। इसलिए बाबा सादगी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। शाम को अम्मा जी के पास फिर जाएंगे, फिर मंत्रोपचार होगा, फिर बताएंगे आपको कैसा महसूस कर रहा है बाबा सादगी, क्यों गेती नहीं उठा रहा है, क्यों फावड़ा नहीं उठा रहा है। तो तभी होगा जब अंदर से जो है वो इच्छा जगेगी। राधे राधे। 4:40 और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। छोटे भाई अर्जुन सिंह मंडाल जी, और आ गए हैं अपनी शॉपिंग के लिए करला मार्केट। संतरे लिए जाएंगे, 1 किलो पीली मूंग ली जा रही है यहाँ से। ये है जखिया जो उत्तराखंड में होता है, किस काम आएगा, कहाँ किस किस चीज़ में इसको हम इसका उपयोग कर सकते हैं पूछेंगे गुरुजी से। गुरुजी, ये जो जखिया लिया आपसे, क्योंकि उत्तराखंड का बहुत फेवरेट वो है, ये अनाज है यानी कि एक प्रकार का, तो ये किस किस हम उसमें इसका सदुपयोग कर सकते हैं? ये रायते में, हरी सब्जी में और कढ़ी में और आपके अचार में, कहीं भी यूज कर सकते हो। तड़के में इसका फ्लेवर ही अपने आप में लगा, और ढोकला में, जो ढोकला होता है हर जगह यूज होता है। तो मित्रों, जानकारी आपको मिल गई है, प्रयास कीजिए कि उत्तराखंड का जखिया आपके घर में हो और आप इसका स्वाद का आनंद ले सकें। मौसम का मिजाज देखिए, मार्केट में सन्नाटा है। लोअर का इलास्टिक खराब हो गया है, अब उसका ऑप्शन लेने जा रहा हूँ। बाइक की गाड़ी अभी जो है, अभी हम जा रहे हैं ग्राम रणकुना, डिफरेंट व्यूज है। और अभी हम पहुंच गए हैं ग्राम रणकुना, ऊपर गांव बसा हुआ है, अति शानदार व्यू है यहाँ पे। मिलते हैं दिल्ली में ना, आशियाना बनाया जा रहा है, जिंदगी कुछ इस प्रकार से भी काटी जाती है। अभी इनका जो है घोंसला पूरा नहीं हुआ है, फिर भी जो है समय व्यतीत कर रहे हैं। राम राम। सुबह के 8 बज चुके हैं, कल रात 12 बजे से बारिश शुरू है। मौसम देखिए, हर चीज चमक रही है, डस्ट बैठ चुकी है, मौसम खुशगवार हो चुका है। और सबसे जो ज़्यादा खुशी की बात है कि जिन्होंने खेतों में मिर्च बोई है उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी कि अब जो है मिर्च
अच्छी होगी। तो बाबा सादगी तो ले रहे हैं मौसम का आनंद। राधे राधे। हाँ भूल गया वो बताना, जो हाक लगी थी कल शाम पंडित जी के पास गया था, उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अब बाबा सादगी फुल एनर्जेटिक है। आप माने या ना माने, ये देवभूमि है जनाब, जो यहाँ होता है वो कहीं और नहीं होता है। राधे राधे। प्रकृति ने प्रकृति को और भी खूबसूरत बना दिया है। शहरों में सहूलियतें बहुत होंगी, लेकिन ये जो खूबसूरती है ये सिर्फ आपको पहाड़ों में ही मिलेगी। नौ बजकर 58 मिनट, झुरमुर झुरमुर बारिश लगातार है, कोहरा उड़ना शुरू हो चुका है। ऐसे में आज कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज के लिए राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।